अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइबा हेल्थ टिप्स। व्यूवर्स, आज की वीडियो एक स्पेशल और कॉमन इशू के ऊपर है। मैंने नोटिस किया है कि लड़कियों में ये इशू बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, क्योंकि आईब्रोज और आई लैशेस की ग्रोथ नहीं होती। इसका रीजन डाइट भी है, लेकिन उसके अलावा आपको रेमेडीज भी यूज करनी पड़ेगी ताकि आपकी ग्रोथ ज्यादा फास्ट और अच्छी हो। तो चलिए शुरू करते हैं, पर इसके पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए एवरी लेटेस्ट ब्यूटी अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए। मेरा फास्ट इंग्रेडिएंट है कोकोनट ऑयल, जो कि ऑलरेडी बहुत फेमस है आपकी हेयर ग्रोथ को अच्छा बनाने के लिए और हेयर को घना और स्ट्रांग बनाने के लिए भी। उसके बाद ऐड करना है वेजलीन, या जिसको पेट्रोलियम जेली भी कहते हैं। इसके अंदर 6 डिफरेंट तरह के ऑयल और न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। इन ऑयल के अंदर हेयर ग्रोथ होते हैं, जो कि आई लैशेज और आई ब्रोज को बहुत अच्छा और थिक बनाते हैं। ये दोनों इंग्रेडिएंट ही आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे हैं, और इस रेमेडी से सिर्फ 2 से 3 वीक के अंदर ही आपके इश्यू बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा और आपके आई लैशेज आई ब्रोज भी लंबे गने हो जाएंगे, ताकि आपको अच्छे से अंदाजा हो जाए। अब मैं आपको इस मिक्सचर को लगाने का तरीका बताऊंगी। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और बिल्कुल उसी तरह से अप्लाई करना है। इस मिक्सचर को आप फिंगर टिप्स की मदद से, यानी उंगलियों की मदद से मसाज करना है। अपने आईब्रोज के ऊपर भी आपने फिंगर टिप्स से ही अप्लाई करना है इस मिक्सचर को। इसके अलावा आप एक क्लीन मस्कारा ब्रश भी ले सकते हैं और उसी भी अप्लाई कर सकते हैं। इस मिक्सचर को अपने आई लैशेज और आई ब्रोज पे इसको मसाज करने के बाद आप इसे लगा के रात को सो जाए और सुबह को उठ के वॉश कर ले। इससे 2 या 3 वीक के अंदर ही आपको बहुत ज्यादा विजिबल डिफरेंस नजर आएगा और आपकी आई लैशेज और आई ब्रोज तकरीबन डबल लंबी और थिक हो जाएगी। इस मिक्सचर को आप अपने लिप्स पर भी लगाएं और ड्राई और चेप लिप्स से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल करें। इससे आपके लिप्स पिंक भी होंगे। इसके अलावा ये स्किन के लिए बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर भी है और इससे आपकी स्किन स्मूथ और सॉफ्ट होगी। इस रेमेडी को रेगुलरली यूज करने से आई ब्रोज और आई लैशेज भी इम्प्रूव होगा। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।